बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ नई रेसिपी ओरेंज जूस की। ओरेंज जूस लिया है मैंने 1 लीटर, और मैंने लेमन जूस लिया है थोड़ा सा, और आधा किलो चीनी ली है। लेमन ओरेंज जूस को मैंने 1 किलो ओरेंज का जूस निकाल लिया है। मुझे कढ़ाई में आधा लीटर पानी चाहिए। आधा लीटर पानी ले लें आप, छोटी बोतल पानी की भर लेंगी तो वो आधा लीटर हो जाएगी। और गैस को ऑन कर दें। पानी जब हमारा पकने लगेगा तो आधा ही किलो में इसमें चीनी डालूंगी। 2 कप चीनी ली है मैंने, जो हमारे चाय पीने वाले कप होते हैं वो। इसको मैं अब पकाऊंगी चीनी को हल होने तक। अच्छी तरह से हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है और पकाना है। ये रेसिपी आपको रमज़ान में काम आएगी, बना के स्टोर कर लें फ्रिज के अंदर, ये ख़राब नहीं होगी और बहुत ही रिफ्रेशिंग बनती है ओरेंज स्क्वाश। हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, पॉजिटिव सोचें, इससे सेहत अच्छी रहती है। देखें, चीनी को मैं हल कर रही हूँ पानी के साथ हल्के फ्लेम में। बहुत जल्दी चीनी मेल्ट हो जाती है। चीनी मेरी मेल्ट होने में 5 से 6 मिनट लगे हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और देखें, चीनी मेरी बिल्कुल अच्छी तरह पानी में डिज़ोल्व हो गई है, और ये मेरा मिक्सचर तैयार हो गया है पानी और शुगर का। मैंने लिया है ऑरेंज फ्रेश जूस, 1 लीटर के करीब फ्रेश जूस मैंने निकाल लिया है ऑरेंज का, और ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पकने देंगे हम 15 से 20 मिनट में। ये स्क्वाश तैयार हो जाता है। ऑरेंज जूस निकालने में ही थोड़ा टाइम लगता है, रेसिपी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसका। बनाएं और स्टोर कर दीजिए। ये मैं स्क्वाश जूस के अंदर मिक्स कर लिया है। मैंने चीनी और शक्कर का जो मिक्सचर बनाया था उसमें जूस ऐड करके अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको मैं पकने दूँगी बॉयल आने तक। 2 बॉयल ला के पकाना है मुझे इसे, ताकि अच्छी तरह से हमारा जूस और जो चीनी का बैटर है वो मिक्स हो जाए। ये देखें, ये हमारा मिक्सचर पकना स्टार्ट हो गया है, और इसमें अच्छी तरह से खूब बॉयल आ गए हैं। अभी 5 मिनट मुझे ओवरऑल इसको पकाना है। इससे पहले मैं इसके अंदर जो शामिल करूँगी लेमन जूस, 1 बड़ा लेमन लिया है मैंने, तकरीबन आधी प्याली से कम, 2 चमचे बड़े वाले भर के। तो उसमें लेमन जूस शामिल कर रही हूँ मैं, उसको मिक्स करूँगी और इसको 5 मिनट और पकाऊँगी। पकाने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद 1 बोतल में भर लेंगे। ये पक गया है बिल्कुल, मैं गैस ऑफ करूँगी अब और इसे ठंडा करूँगी। और ये स्क्वाश बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसको मैंने 1 बोतल में रख लिया है चिट लगा के। गिलासों में आपको बताती हूँ किस तरह से बनाते हैं इसको। स्क्वाश को बनाएं, स्टोर करें, इंजॉय करें रेसिपी को। देखिए, मैंने आधा गिलास से भी कम स्क्वाश लिया है, 1/4 गिलास के हिसाब से इसमें बर्फ डाल दी है, और उसके अंदर मुझे पानी शामिल करना है। बाकी 1 गिलास में 1 हिस्सा जूस और 3 हिस्से पानी का हमें शामिल करके और उसको मिक्स करें और इंजॉय करें। बहुत ही यमी और रिफ्रेशिंग बना है। प्लीज़ रेसिपी को ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।